जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं विंडो 10 में किसी भी फोल्डर पे हम पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, और उस पासवर्ड को अगर रिमूव करना है तो रिमूव कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले किसी भी फोल्डर पे कैसे हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको करना क्या होगा, सपोज मान लीजिए मैं कोई डाटा बना रहा हूँ और उस डाटा को मैं सोच रहा हूँ कि दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके जब तक हम पासवर्ड न डालें। तो इसके लिए सबसे पहले वहां जाते हैं और आने के बाद से हम एक पिक्चर ले ले रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको ओपन किया क्रोम ब्राउजर को, और मैं यहाँ पे कुछ इमेज ले ले रहा हूँ। कंप्यूटर इमेजेस, गूगल खुल जाता है। सारे पिक्चर आ गए और मैं इसमें से दो तीन पिक्चर मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया इसको, और राइट क्लिक करके इसको हम सेव कर दे रहे हैं वहां पे। तो फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे ले रहा है, इसको भी मैं सेलेक्ट कर दिया। राइट क्लिक करके इसको भी सेव कर दिया कहाँ पे, इसको भी हमने डेस्कटॉप पे कर दिया। अब ये सेव करने के बाद से हमारे रहते हैं डेस्कटॉप। अब देखिए हो रहा है क्या, जब हम लोग इस पिक्चर पे क्लिक कर रहे हैं तो पता चल रहा है कौन सा पिक्चर है ऐसे, और ऐसे सामने भी हमको दिख रहा है कि हमने लगाया क्या है। तो हम सोच रहे इसको एक फोल्डर में रख दे। इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोटो के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। और फोल्डर क्रिएट करने का तरीका हमने बताया था, राइट क्लिक न्यू फोल्डर, या हमने एक और तरीका बताया था कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो भी न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब हम इसी फोल्डर में इन दोनों पिक्चर को रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे और इसको कंट्रोल के साथ इसको भी सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट, और फोटो पे क्लिक करके राइट क्लिक करके, और सबसे अच्छा तरीका है कट कर लेते हैं क्योंकि इसको यहां से हटाना है। राइट क्लिक किया, कट किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखिए फोटो फोल्डर में हमारा फोटो पोस्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोनों हमारा पिक्चर जैसे ओपन किए दिख रहा है। मैं सोच रहा है कि यहाँ पे भी ना दिखे, आज ओपन करें तो भी यहाँ पे ना दिखे, तुरंत पासवर्ड मांगा जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा। अब उसी फोल्डर पे राइट क्लिक करने के बाद यहीं पे का ऑप्शन आएगा एड टू अर्चिव। ध्यान देना, उस फोल्डर पे हमको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने बाद से यहीं पे का ऑप्शन आएगा एड टू अर्चिव। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे पैरामीटर्स ओपन हो गया और हमको यहीं से पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए ए पे का ऑप्शन आता है एडवांस, एडवांस पे क्लिक करेंगे, और एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहीं पे ऑप्शन है सेट पासवर्ड। अब हमने एडवांस पे क्लिक किया, सेट पासवर्ड किया, और उसके बाद से हमने क्या किया, देखो यहाँ पे पूछा इंटर पासवर्ड, तो हमने पासवर्ड डाला, फिर से री इंटर पासवर्ड, हमने पासवर्ड डाला और कर देंगे ओके, ऑफिस से ओके। अब होगा क्या, देखिए यह हमारा जो फोटो है वो फोटो तो यहाँ पे दिख ही रहा है, दो बार क्लिक करिए दिख रहा है, लेकिन देखो एक और फोल्डर यहाँ पे फोटो के नाम से बन गया। दो बार क्लिक,
देखिए यहाँ पे ये फोटो नहीं दिख रहा है, अगर देखना भी चाहते हो तो दो बार क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। मींस अब जो पहले वाला है उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे, यहां से भी डिलीट और रिसाइकल बिन से भी डिलीट, जो भी हमने डिलीट किया। यहाँ पे फोटो के नाम से ने सर्च किया था ना, लिख देंगे फोटो, ये सर्च बॉक्स काम नहीं कर रहा। चलो इसको रहने देते हैं, अभी हम बता रहे कैसे एक ही बार में डिलीट कर देंगे, पूरा डिलीट हो जाएगा, फोटो खोजना भी नहीं क्या। राइट क्लिक किए और कर दिया हमने डिलीट, अब यहां से डिलीट कर दिया, वहां से डिलीट कर दिया। अब करेंगे क्या, बस यही बचा है दो बार क्लिक करें, तो जब भी हम भी खोलने जाएंगे तो बार बार कहेगा कंप्यूटर का इमेज दिख रहा है कौन सा इमेज है, दो बार क्लिक करिए पासवर्ड, अगर मान लो गलत पासवर्ड डाले है इंटर बटन दबाए नहीं खुलेगा, इंटर और डाल दिया सही पासवर्ड, ऐसे खुल के आ जाएगा कौन सा इमेज है, कौन सा डाटा है। तो आप ऐसे अगर पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो तो यहां से क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ ऐसा हमने इमेज पे बता दिया, अब चलो मैं एक और तरीका बताता हूँ। विंडो प्लस आर दबा रहे हैं और लिख दिए क्या नोट पैड, और नोट पैड में हम कोई डाटा बना लेते हैं, कोई भी डाटा हमने बनाया, सपोज हम सोच रहे हैं कि इसको क्या करें हम यहाँ पे, तो इसको मैं सही झंडा लगाने के लिए, और यही टेक्स्ट सपोज मैंने लिखा है कोई भी दे दो काटे, देख सकते हो हम सोच रहे इसमें भी पासवर्ड एक क्रिएट कर लो, क्या कर ले पासवर्ड क्रिएट कर, तो करेंगे क्या राइट क्लिक, अभी नहीं दे रहा क्या ऑप्शन आ रहा है ऐड टू आर्ची, अरे नहीं दे रहेंगे, उसके बाद से एडवांस, उसके बाद से सेट पासवर्ड और इंटर पासवर्ड और फिर से हमने यहां पे पासवर्ड, ओके ओके। तो देखिए इसी के नाम से देखो यहां पे यस के नाम से क्या हो गया यहां पे, अब इसको खोले ओपन हो रहा है लेकिन इसको खोले नहीं, कर इंटर पासवर्ड। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हो या कोई इमेज रखे हो या अदर कुछ भी रखे हो, अगर आप सोच रहे पासवर्ड क्रिएट कर ले और आसानी तरीके से कोई उसको एक्सेस ना कर सके, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और अपने किसी भी फाइल फोल्डर में क्या कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है, तो कर ले जाओगे पासवर्ड क्रिएट ना। अब चलिए इसको नोट कर ले, कहा है क्या, अगर परमानेंटली किसी फोल्डर फाइल को डिलीट करना है तो उस फोल्डर पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाइए, तो ये आपको मैसेज देता है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, हमने बोला ओके यस, अब ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, तो लिख लीजिए सभी लोग, अगर परमानेंटली डिलीट करना है तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो परमानेंटली हमारा फाइल फोल्डर डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लो अब बात यह आ गया कि सर अगर पासवर्ड हमने लगा तो दिया, आज जरूरत था तो मैंने लगा दिया और जो जिसमें पासवर्ड नहीं लगा था उसको डिलीट भी कर दिया, तो हम पासवर्ड फिर से हटाएंगे कैसे और उस फोल्डर को फिर से लाएंगे कैसे, क्योंकि अब मुझे पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है और हम ऐसा लेना चाहते हैं फाइल जिसमें पासवर्ड ना लगाओ क्योंकि पासवर्ड हमको बार बार भूल जा रहा है, तो यू कह सकते हो पासवर्ड को रिमूव करना है। तो अगर पासवर्ड को रिमूव करना है इसके लिए क्या करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर पासवर्ड को रिमूव करना है तो सबसे पहले जिसपे पासवर्ड लगा है उसमें फिर से आपको राइट क्लिक करना है, आप करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको देखो एक ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट टू, और जो फोल्डर होगा उसका नाम दिखाई देगा, क्लियर है,
क्या किया हमने, राइट क्लिक, अजीत नाम से फोल्डर है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू, और यस यस के नाम से फोल्डर दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, इंटर पासवर्ड, आपको पासवर्ड डालना होगा, कौन सा पासवर्ड, जी जो हमने लगाया था, क्योंकि जब तक हम लोग डालेंगे नहीं तो पासवर्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते हैं जिसको क्या पासवर्ड ना हो। तो हमने जो क्या किया, हमने सही डाल दिया जो भी डाला था, यहाँ पे क्लिक करके क्लिक किया और यहाँ पे हम डाल दिए और कर दिया हमने ओके। ये रॉन्ग पासवर्ड है क्या, हाँ चलिए यस के पे, हाँ एक अंक का डाले थे, तो आते हैं और उसके बाद हम लिख देते हैं और कर देते हैं ओके। ठीक है, देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो इसमें दिखने लगेगा नोट पैड, और दो बार क्लिक करिए ओपन हो गया। अब मुझे पासवर्ड वाला नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे और परमानेंटली डिलीट करना है, शिफ्ट प्लस डिलीट, यस। तो यह तरीका है, आपने किसी फोल्डर पे या कोई फाइल हो उसमें हम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है, हो जाएगा ना। हमने क्या सीखा, कैसे पासवर्ड लगाया जाता है और कैसे उसको रिमूव किया जाता है। चलिए आपका क्या क्वेश्चन है बताइए आप। देखिए अगर हम किसी पार्टिकुलर यहाँ पे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, एक नेम से बना रहे हैं यहाँ से, देखो यहाँ पे है ना, तो अगर एक ही नेम से हमको बनाना है तो इसके लिए ऐसा कोई नॉर्मल तरीका है नहीं कि जिसके नाम से बना सके, जैसे एसके है और तुम सोच रहे हो एसके नाम से फिर से बना, अगर डेस्कटॉप पे चाहते हो ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं कि बनाया जा सकता, ठीक है। लेकिन इसमें है तरीका कि जैसे मैं तरीका कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल हम राइट क्लिक किए और फोल्डर पे आ गए, ओके, और हम लिख दिया क्या एसके, ओके ऐसे बना दिया। और एक तरीका यह होता है, या बनने का कुछ ऑप्शन हमको चेंज करना पड़ेगा, चलो हम चेक कर ले रहे हैं, कुछ हम दिमाग लगा रहे हैं, बन जा रहा तो अच्छा है, यहाँ पर रीड करते हैं क्योंकि बनता नहीं जल्दी। हाँ डॉट दे देंगे हो जाएगा, देखो मैंने सोचा कि चलो स्पेस दे दे ये बन जाएगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे देखो इस नाम से बार बार फेच कर रहा है, अगर यहीं पर थोड़ा सा कुछ चेंज कर दे, ध्यान दे, राइट क्लिक किए फोल्डर पे आए और यस के डॉट दे दो तो भी बन जाएगा, या आप क्या कर लो वन कर दो, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन अंदर अगर बनाओगे तो बन जाएगा। लेकिन एक तरीका यह है, कुछ ऐसे फोल्डर है जो किसी नाम से फोल्डर बने नहीं पाते, तो उसको हम आगे पढ़ाएंगे कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, मतलब इस तरह प्रेजेंट है, अगर डेस्कटॉप पे तुम बनाना चाहते हो नहीं बनता है, या अदर कई लोकेशन बनाना बना सकते, इसके लिए शॉर्टकट भी क्रिएट करना पड़ेगा, मैं कभी ट्राई नहीं किया हूं, तो तरीके बता दो कैसे बनेगा। ये इतना है कि शॉर्टकट की बनाते हैं लोग, यस के कर दिए, देखो क्या बन रहा है, नॉट फाउंड। डेस्कटॉप पे बनाने का एक तरीका है तो वो अलग तरीका बताएंगे आपको, एक बार चलो ट्राई कर लेते उसको, लेकिन मैंने कभी बनाया नहीं है, चेक कर लेते हैं। यस के एसके नाम से बनाना हमको, तो सेलेक्ट किया हमने, देखो ये जानते हो ये टॉपिक हम एक भी पढ़ाते हैं, लेकिन हम एक नाम से नहीं बताते हैं, इसका थोड़ा अलग लुक अलग हम टॉपिक बताते हैं इसको, चलो इसको डिस्कस कर देते हैं। देखो ध्यान हो, ध्यान दो कैसे क्या होगा, जैसे सपोज होता क्या है, कुछ ऐसे नेम है जिसके नाम से फोल्डर नहीं बनता, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहते बिना नेम का फोल्डर क्रिएट करना, क्या करना है बिना नेम का, तो अगर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, फोल्डर पे क्लिक करते हैं और डिलीट कर देते हैं और इंटर बटन दबाते हैं, भले कुछ नहीं लिखा है लेकिन जैसे इंटर बटन दबाएंगे ना न्यू फोल्डर आ जाएगा। तो अगर मान लो बिना नाम का कोई फोल्डर बनाना, इसके लिए भी आप राइट क्लिक करिए, न्यू पे आइए, फोल्डर पे आइए और इसको डिलीट कर दीजिए, और राइट क्लिक करके और आ जाइए कहाँ पे, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल करेक्टर, कोई ले लो और इंटर दबा दो, देखो बिना नाम का फोल्डर बन गया। प्लस कुछ ऐसे फोल्डर है जो नॉर्मल तरीके से नहीं बन पाते, जैसे फॉर एग्जाम्पल राइट क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, फोल्डर पे आ गए,
और क्या बनाना है आपको, AAUX के नाम से आपको क्या करना है, फोल्डर बनाना है। तो देखो करा है 10 प्रोफाइल डिवाइस नेम इज वैलिड, मींस मतलब क्या है, ये बन ही नहीं पाएगा इसके नाम से नॉर्मल तरीके से बनाओगे तो। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसके नाम से बन ही नहीं पाता है। तो अगर ऐसा कहीं आपके साथ सिचुएशन आ जाता है कि जिसके नाम से फोल्डर नहीं क्रिएट हो रहा है, तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या करिए उसको डिलीट करिए, उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद इंसर्ट कोड और यहाँ पे कोई ऑप्शन ले लो ये, और देखो अब बना दें AUX, ठीक है। ऐसे कुछ एक और नाम है, राइट क्लिक न्यू फोल्डर और CON नहीं बन रहा है, अगर इसको बनाना है क्या है, डिलीट राइट क्लिक और इसमें कोई ले लो, या ले लेते हैं और लिख दिया क्या CON। कुछ ऐसे बाय डिफॉल्ट सेटअप होते हैं विंडो का जो नॉर्मल तरीके से नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी बनाना चाहते हैं, बहुत नॉर्मल तरीका है। राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए, फोल्डर पे आइए, फिर से डिलीट करिए उसको और राइट क्लिक करके क्या कर दीजिए, कमांड चला दीजिए, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल करेक्टर और कोई ले लो इसमें से, कोई सेलेक्ट सेलेक्ट कर दो और बस बना दो आप, ठीक है ना। तो आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे। मैं एक दिन का टॉपिक पढ़ाता हूँ 10-15 मिनट, इन्होंने पूछ दिया तो मैं बता दिया, लेकिन मैं जाता रही पढ़ाता हूँ, AUX के नाम से नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे, CON के नाम से नहीं बनेगा तो कैसे बनाएंगे, बिना नाम का कैसे बनेगा। पासवर्ड रिमूव करना है तो सिंपल तरीका है, आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड जो हमारा फोल्डर उस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने बाद से वहीं पे ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट टू, और जिस नाम से फोल्डर होगा वो दिखेगा, क्लिक कर दोगे और पासवर्ड जो पुराना वो पासवर्ड डाल देंगे, जो भी पासवर्ड था हमारा, और ओके करेंगे, क्या हो जाएगा उसी के नाम से एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो देखो ये बिना पासवर्ड वाला है, अब क्लिक करके हम देख सकते हैं, हाँ पुराना वाला नहीं चाहिए हमको, मतलब यह वाला हम डिलीट कर सकते हैं, क्लियर है। तो ऐसे में आसानी तरीके से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और बिना नाम का भी फोल्डर हम क्रिएट कर सकते। हाँ क्वेश्चन ये कई बार पूछा जाता है कि CON के नाम से फोल्डर क्रिएट किया जा सकता है कि नहीं, तो बताओगे नहीं, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नहीं क्रिएट किया सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे कभी नहीं किया सकता है, बोलेंगे किया जा सकता है, उसका अलग अलग तरीका है, क्योंकि कंपटीशन यहाँ में पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऐसा फोल्डर है जिसके नाम से फोल्डर क्रिएट नहीं किया सकता है, तो ऐसा नाम आएगा CON AUX, रखो ना। तो आपको करना क्या होगा, जवाब देना पड़ेगा यह, लेकिन कोई कहे नहीं कभी नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, जिसे नॉर्मल किसी नाम से बना ले बन जा रहा है ना, कोई से नहीं बन पाएगा, यह कंपटीशन एग्जाम कई बार पूछा गया है। तो दो मुझे नाम पता है CON AUX, तो आप लोग लिखवा दिया हूं, और ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो चेक करके देख सकते हो किसी का नाम बन जाए नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, दो तीन नाम मैंने बताया, दो तीन नाम हमेशा आते हैं। अब विंडो का कुछ है सिचुएशन, अपने हिसाब से वो कुछ कंट्रोलिंग किया है, ठीक है, लेकिन तरीका तो बता दिया ना, ऐसे बन सकता है, कोई होगा कुछ कोड उसका, अब वो लॉजिक समझ में नहीं आता क्यों ऐसा किया है, ये तो समझ में आ रहा है कौन जो हमने ये बनाया है, ये तो हम लोग लॉजिक लॉजिक